आप बीजेपी से हो? हाँ। आप भाजपा से हो? जी। आप भाजपा को जिताते आए हो? जी। आप बनारस के भी हो? जी। तो फिर क्यों आप भाजपा से नाराज? क्यों? क्योंकि मैं मौखिक रूप में जमीनी स्तर पे देख रहा हूँ कि काम कुछ नहीं है। तो अब की बार क्या करोगे? अब की कुछ बार भी करेंगे। बार क्या होगा इस बार? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव? हाँ। ये बनारस में अखिलेश यादव का नाम काहे ले रहे हो भैया? फट गई, बता बात टोटी की कर रहे हो? वो कहता मैं ठाकुर हूँ, वो कहता मैं चमार, वो कहता पंडित हूँ। अरे तुम हो क्या? पहले तुम इंसान हो, इंसान का इंसान के नाता से जो तुमने विध्वंस किया, जो बर्बाद किया लोगों को, कॉरिडोर के अंदर में दफन बनायो, कब्रिस्तान बनायो, उसका पहले न्याय करो। सुनिए, हमको भीख नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, शिक्षा चिकित्सा चाहिए, जो कि नहीं है। नमस्ते भैया। मैम, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा फैन। मैं एकदम बिल्कुल देखा, बिल्कुल मैं रुक गया हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे अपनी फीलिंग में बताऊँ। आंसू क्यों है आपकी आंखों में? मैम पता नहीं क्यों, बस बिल्कुल मैंने देखा, मैं तुरंत रुक गया। मैंने दीदी का कह रही प्रज्ञा मैम रुक जाते हैं, और मुझे बहुत खुशी मैम, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा स्ट्रगल कर रही हैं। आपकी आवाज़ जो है हम सभी लोगों की आवाज़ है, और मुझे मैं एक एक चीज़ें मैं जो आपकी सुनता हूँ, मुझे लगता है कि वो मुझे प्रेरणा देती है। अच्छा एक बात बताइए, बहुत तारीफ हो गई, इतनी तारीफ नहीं सुन पाती मैं। नमस्कार, इस वक्त मैं विश्वनाथ गली में हूँ। बनारस की बड़ी मशहूर गली है, जो भी बनारस आया वो विश्वनाथ गली में, अगर नहीं आया तो उसका बनारस आना बिल्कुल बेकार है। बाबा की आरती है, बाबा का चंदन लगा रहे हैं भैया, और हमें भी आरती दे दीजिए भैया। ये बाबा की आरती, बनारस में हर घड़ी हर घर बाबा का चंदन और बाबा की का आरती हर किसी तक पहुंच जाता है, तो माथे पर चंदन लग गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते भैया। मैम, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा फैन। मैं एकदम बिल्कुल देखा, बिल्कुल मैं रुक गया हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे अपनी फीलिंग में बताऊँ। मैं आपके सारे वीडियोस मैं डेली देखता हूँ, एक भी वीडियोस मैंने कभी छोड़े नहीं है, और मुझे लगता है कि आप मेरी बहुत बड़ी आइडियल है, मैं आपको अपना आदर्श मानता हूँ मैम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सब आपके परिवार के लोग हैं? हाँ, मेरी मम्मी। नमस्ते माता जी, कैसी हैं आप? कैसी आप? नमस्ते नमस्ते। और दर्शन करने आए थे? हाँ विश्वनाथ, बढ़िया हुआ दर्शन। हाँ मैम, और मुझे लगता है मैम आपका भी दर्शन हो गया, मुझे लगता है ये चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और मैम सबसे बड़ी चीज़, आप इतना स्ट्रगल कर रही हैं हम लोग के लिए, मुझे लगता है कि आप हम लोग के लिए भगवान से बढ़ कर हैं मैम, बहुत बड़ी चीज़ है मैम, हम लोग बहुत खुशी होती है आपको देखकर। आप तो अपना काम कर रहे हैं मेरे भाई, आप तो मेरे भाई जैसे हो, हम तो अपना काम कर रहे हैं, वी आर डूइंग आवर ड्यूटी। और आंसू क्यों है आपकी आंखों में? मैम पता नहीं क्यों, बस बिल्कुल मैंने देखा, मैं तुरंत रुक गया। मैंने दीदी का कह रही प्रज्ञा मैम रुक जाते हैं, और मुझे बहुत खुशी मैम, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा स्ट्रगल कर रही हैं। आपकी आवाज़ जो है हम सभी लोगों की आवाज़ है, और मुझे मैं एक एक चीज़ें मैं जो आपकी सुनता हूँ, मुझे लगता है कि वो मुझे प्रेरणा देती है। अच्छा एक बात बताइए, बहुत तारीफ हो गई, इतनी तारीफ नहीं सुन पाती मैं। एक ही चीज़ सुनने के लिए आई हूँ बनारस की, इस बार माहौल किसका है, क्या लग रहा है, आप युवाओं को सरकार खुश कर पाई है कि नहीं कर पाई है? मैम मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की, सबसे बड़ी समस्या है मैम। और मेरा ये मानना है कि अगर आप, ठीक है चलिए धर्म के नाम पे आपने जितने भी काम किए होंगे, बट मुझे लगता है कि बेसिक नीड जो है वो हमारा रोजगार है। आप बेरोजगारी भत्ता दें या धर्म को आगे लेके जाए, वो मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। मैं खुद हिंदू धर्म का हूँ, मैं सम्मान करता हूँ, और मैं हर धर्म का सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरा मानना ये कि आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि बेरोजगारी दूर होना बहुत ज़रूरी है, और इस सरकार की सबसे बड़ी समस्या है कि आज हम सभी बेरोजगार हैं। लेकिन सरकार तो मानती नहीं कि बेरोजगारी है, वो तो कहती है हमने राज्य में 4.5 लाख रोजगार दे दिए और 2 करोड़ रोजगार केंद्र से मिल गए। मैम सरकार तो बहुत सारी चीज़ें कहती हैं, लेकिन मैं सच बताऊँ तो मुझे किसी भी बात पर भरोसा नहीं है। मेरा बस ये मानना है कि सरकार से अभी मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूं। हमें इंसाफ चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। मेरी बस एक डिमांड है कि आप रोजगार दीजिए। अगर युवाओं के पास रोजगार है तो वो अपना भविष्य वो खुद खड़ा कर सकते हैं। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनीत कुमार रावत। विनीत कुमार जी, बहुत बढ़िया बात कही। क्या बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, कोरोना में जो अव्यवस्था थी इसका मुद्दा, इन सब का चुनाव में असर होगा? जी जी एकदम जरूरी है, ये एकदम हम लोगों को नीचे ग्रस्त में डाल दिया है, जमीन में डाल दिया गया है। हाँ। जितना लोग गर्त में डाल गर्त क्यों क्या है? आज मैं पहले दुकानदारी करता रहा, व्यापार करता रहा, मेरा अच्छा व्यापार चला, सब कुछ चलता रहा। आज आप लोग कॉरिडोर के नाम पे बेचारे कितने दुकानदारों का दुकान जबरदस्ती लिया है, रात को गिराया तोड़ाया, आपने बोला देंगे, लिखित दिया गया, पैसा भी तो मिल गया। क्या मिला?
कह दिया, उन्होंने दिया क्या कि आपको तब तक दिया जा रहा है कि आप तक अपने पालन पोषण के लिए 1,00,000 रुपए ले लीजिए। आज किसी जगह पे 1,00,000 रुपए की कोई 10x10 की दुकान दिला दीजिए, मेरी दुकान लेकर के 50,00,000 में वो बेच सकते हैं और मेरे को बेरोजगारी, हमको तो एकदम बर्बाद कर दिए। अच्छा एक सवाल मेरा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे काशी को चमकाने की बात कही, बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े बैनर ले लीजिए, टीवी ले लीजिए, राष्ट्रीय मीडिया, गोदी मीडिया लगातार बताती है कि भाई बनारस तो चमक गया, काशी कॉरिडोर मिल गया, लेकिन आप बनारस की गलियों में देखिए, बनारस की गलियां आज भी वही सब देख रही है। ये वही तार है जो पहले जब सड़कों पर दिखते थे तो अंदर कर लिए गए, और ये देखिए बनारस की वही गलियां, इनमें तो कोई बदलाव नहीं आया। सबसे थर्ड क्वालिटी की ये गली बनी है, कोई मापदंड नहीं ठेकेदार। अच्छा एक चीज है भैया, हाँ। देखो सड़कों से जो बंठन गई है, चमक गई है, वहाँ से तो वीआईपी मूवमेंट होता है, इन गलियों से कोई वीआईपी मूवमेंट थोड़ी ना होगा। औकात नहीं कि कोई वीआईपी इधर से आ सके, तो ये गली क्यों बनाएंगे जब काम है कि नहीं, तो गली बना कर क्या करेंगे आम आदमी। वो बड़े बड़े वीआईपीओं के लिए बनाया गया, सारी सुविधाएं जो वीआईपीओं के लिए, उद्योगपतियों के लिए, ये आम जनता के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा, काशी कॉरिडोर तो बना ना, काशी कॉरिडोर बना के क्या किए आप, कब्रिस्तान के ऊपर लोगों का परिवार लूट लिए, बर्बाद कर दिए, उसके बाद दुकानें बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, क्या मिला मेरे को, मेरा दुकान जाने के बाद, वहाँ जाने के बाद क्या मिला मेरे को, ये बताइए। आपकी क्या बदलाव देख रहे हैं, ये लग रहा है जरूरी है कौन आगा ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि मेरा को किसी भी पार्टी से विश्वास उठ चुका है। अखिलेश यादव मेरे को हमको किसी से कोई मतलब नहीं है, मेरे को बेरोजगारी, आम आदमी पार्टी किसी से मतलब, मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा। हाँ। क्यों? क्योंकि मैं बीजेपी से हूँ, फिर भी मैं नहीं लूंगा। आप बीजेपी से हो? हाँ। आप भाजपा से हो? जी। आप भाजपा को जिताते आए हो? जी। आप बनारस के भी हो? जी। तो फिर क्यों आप भाजपा से नाराज? क्यों? क्योंकि मैं मौखिक रूप में जमीनी स्तर पे देख रहा हूँ कि काम कुछ नहीं है। तो आपकी बार क्या करोगे? आपकी कुछ बार भी करेंगे जो करना होगा सो करेंगे, बताने की उम्मीद नहीं रखता हूँ। भाजपा को तो जिताओगे? क्यों, मैं ये नहीं बता सकता, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। मैं जो करना होगा, नहीं पूछ रही हूँ किसको जिताओगे, मैं ये पूछ रही हूँ इन मुद्दों का असर क्या चुनाव में भी, गुस्सा क्या चुनाव में? जरूर जरूर जरूर, जैसे कि मेरे भाई साहब भी बता के गए हैं, जातिवाद में बढ़ जाएगी कि हम मिश्रा हो गए, हम पांडे हो गए। जरूर जरूर, क्योंकि हम लोग हिंदू जरूर कहते हैं अपने आप को हिंदू, और ऊपर से नीचे लोग हिंदू कहते हैं, लेकिन हिंदू कोई है नहीं, लोग खाली बातें करते हैं। वो कहता मैं ठाकुर हूँ, वो कहता मैं चमार, वो कहता पंडित हूँ। अरे साले तुम हो क्या, पहले तुम इंसान हो, इंसान का इंसान के नाता से जो तुमने विध्वंस किया, जो बर्बाद किया लोगों को, कॉरिडोर के अंदर में दफन बनायो, कब्रिस्तान बनायो, उसका पहले न्याय करो। और मुख्यमंत्री ने लिख के, लोगों ने, अधिकारियों ने लिख करके दिया कि दुकान के बदले दुकान देंगे, अरे कुछ भी नहीं मिला, ठगा है एकदम, सोरे सर ठगा है। सुनिए, हमको भीख नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, शिक्षा चिकित्सा चाहिए, जो कि नहीं है। आपको क्या लगता है कि इस बार क्या होगा? अखिलेश यादव हाँ, ये बनारस में अखिलेश यादव का नाम काहे ले रहे हो भैया? आप बताइए, सबसे अहम मुद्दा है बेरोजगारी का। हाँ, बेरोजगारी का मुद्दा है, तो बेरोजगारी का मुद्दा चुनाव में असर दिखा रहा है। हाँ, जरूर दिखाएगा। सकते हैं अखिलेश नहीं आ सकते? क्यों नहीं? पूछिए किसकी नौकरी गई है, हम किसकी नौकरी से सीटेट का पेपर देने आए हैं जी? मैं पेपर लीक हो गया, यूपीटेट का पेपर लीक हो गया था। हाँ, पेपर लीक हो गया, चार तरफ वहाँ से इतना दूर तक आए हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग? कैसे आप आए? बेरोजगार घूम रहे हैं। आप करते क्या थे पहले? सरकारी नौकरी थी आपकी? आपकी नौकरी गई है? लाठी डंडा खा रहे हैं, पुलिस का डंडा खा रहे हैं, शिक्षक भर्ती की मांग गलतों को लिए क्यों नहीं भर्ती दे रही है? 97,000 शिक्षक भर्ती क्यों नहीं दे रही है? ये कांग्रेस की राज में गया है, कांग्रेस के राज में गया है ये। आपके कितनी भाजपा की सरकार है, इन बच्चों की भर्तियां अटकी, पेपर अगर लीक हो रहे हैं तो क्या कांग्रेस की सरकार कर रही है? अभी तो भाजपा की सरकार है, अभी भाजपा की सरकार है, सब काम धीरे धीरे होगा, एक एक साल तो होगा नहीं, अभी कोरोना साल, दो साल से कोरोना चल रहा है, कांग्रेस में फोड़ना, अपना काम करना गलत और उसमें कांग्रेस को फोड़ देना, दो साल कोरोना चल रहा है, अखिलेश क्यों नहीं कर लिए? अखिलेश की सरकार में आपकी नौकरी थी, आप बेरोजगार नहीं थे? तैयारी कर रहे हैं, अखिलेश की सरकार में नौकरी थी आपकी? नहीं मिला भैया तुम्हारा, ये देखो पानी निकल रहा है, गंगा जल है, गंगा जल दे दो भैया।
गंगा जल तुम्हारा, गंगा जल जो है नहीं, उनका पानी चूरा जाइए लब से मंदिर में, पानी आपको चूरा आप लब से यही चढ़ाइए। आप बताओ, रुक जाओ रुक जाओ, इस बार माहौल किसका है? निकल गया है, पन्नी तो तुम्हारी फट गई, बता बात टोटी की कर रहे हो? जो फटता है वो तो पन्नी ही फटेगा। अच्छा, अरे देखिए सब आएगा समय समय, अखिलेश का आएगा ना, अखिलेश का आएगा ना, कितना आएगा सब मालूम हो जाएगा। नहीं फटा है पन्नी, कहाँ जाएगा जल का? आप नहीं चढ़ाएंगे मंदिर? नहीं 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 नहीं, आप नहीं चढ़ा पाएंगे, जा दो वहाँ खत्म हो जाएगा। माहौल माहौल माहौल, गलत बात नहीं, गलत बात नहीं।